तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त ही होंगे। तो सो गाइस, भाई आज के इस वीडियो में भाई फेस स्मूथ एंड भाई फेस वाइट करना सीखेंगे, ठीक है ना। और भाई मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर फेस वाइट और फेस स्मूथ करना नहीं आता बिल्कुल भी, वो भी हाई क्वालिटी में, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में भाई कितना एकदम हाई क्वालिटी में फेस स्मूथ हुआ और भाई फेस वाइट हुआ, ठीक है ना। और भाई फेस को गोरा भी कैसे करें मैंने सब बताया आज के इस वीडियो में। और भाई छोटा सा वीडियो है, फुल वॉच करना, तभी आप लोगों को क्या हुआ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना मतलब खराब पिक था, ठीक है ना। और भाई इसी को मैंने एडिट किया, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना गजब का पिक लग रहा है ना भाई। तो भाई आपको भी करना है तो वीडियो का स्किप नहीं करना, हम लोग सीधे चलते हैं भाई वीडियो की ओर, लेट्स गो। तो सो गाइस, भाई हम लोग क्या करेंगे, इस पिक को भाई अपने क्या करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक कर देना। देन टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको भाई ट्यून इमेज पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। देन इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एम्बुलेंस को कुछ स्टेप से बढ़ा दीजिएगा एंड शैडो को भी हम लोग क्या करेंगे 20 के आसपास बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी ऐसे ही बढ़ा दीजिएगा। एंड इतना करने के बाद हम लोग अगेन टूल्स पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करके स्ट्रक्चर को और शार्पनिंग को फुल कर देंगे, ठीक है ना। और इतना करने के बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और भाई इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आपको व्यू एडिट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपको डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना भाई, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। देन इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त तरीका से यहाँ पे हेयर पे अप्लाई हो रहा है। और भाई आप लोग भी ऐसे ही अपने हेयर पे अप्लाई कर लीजिएगा एकदम मस्त तरीका से, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा मुझ पर भी कर देते हैं, ओके। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्टिव टूल्स को ले लेना है। एंड आपको भाई जहाँ भी ब्लैक पार्ट आपको नज़र आता है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ स्टेप से आपको जहाँ भी ब्लैक पार्ट आपको नज़र आता है, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना मतलब बिफोर एंड आफ्टर में भाई फर्क तो मतलब लग ही रहा होगा, ठीक है ना। कितना एकदम मतलब मस्त हो गया, ठीक है ना। एडिटिंग करने से पहले एडजस्ट करना पड़ता तब कुछ होता है, ठीक है ना। एंड इस पे को शेयर कर लेंगे सीधे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं एंड यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड भाई ओपन करने के बाद ये देख सकते हो हमारी पिक एंड ये भाई प्रीसेट है, ठीक है ना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको भाई बेस्ट सेटिंग कॉपी सेटिंग कर लेना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपने ओरिजिनल वाले पिक पे आ जाना है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे और वहाँ पे हम लोग कॉपी किए थे ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे भाई, पेस्ट सेटिंग कर देंगे, ठीक है ना। एंड भाई 1 क्लिक में यहाँ पे देख सकते हो भाई फेस वाइट तो हो ही गया भाई, देखो कितना एकदम अच्छा से मतलब फेस वाइट हो गया। अब बात रहा है स्मूथ करने का, ठीक है ना। तो भाई मैं वो भी सिखाऊंगा और भाई हेयर पे कैसे ऑयल पेंट देता है मैं वो भी अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना करके। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर टूलबीज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड भाई टूलबीज एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है एंड अपने पिक को क्या करना भाई, इम्पुट कर लेना, ठीक है ना। एंड इम्पुट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इफेक्ट ना करने के बाद हम लोग सेफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको मिक्स मार्क्स पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्लीन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। और भाई आप लोग क्या कीजिएगा, अपने हेयर पे अप्लाई कर दीजिएगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना गजब तरीका से मतलब हमारा हेयर ऑयल पेंट हो रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, दाढ़ी भी होगा तो आप लोग दाढ़ी पे भी अपने अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इससे मतलब मस्त लगता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना गजब का लग रहा है। एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा एकदम मस्त तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पिक को भाई सेव कर लेते हैं अपनी गैलरी में, ठीक है ना। एंड भाई सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इस पिक को शेयर कर लेते हैं सीधे स्केच बुक एप्लीकेशन में, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो स्केच बुक एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। एंड भाई शेयर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फेस स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस पे इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। फेस स्मूथ करने के लिए भाई मस्त ब्रश होता है, ठीक है ना। एंड इसका भाई सेटिंग देख सकते हो मैं कौन सा रख रहा हूँ। एंड इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फेस को जूम करके यहाँ पे फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम हार्ड तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी में मतलब हमारा फेस स्मूथ हो रहा है।
एंड भाई आप लोग भी कर लीजिएगा एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। तो सो एवरीवन आप लोगों को ऐसे ही कर लेना फेस स्मूथ, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद देख सकते हो कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है। एंड ओए चाबी कहाँ, तो भाई अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भाई मतलब आज मतलब माइक से मतलब शूट नहीं कर रहा हूँ मैं वॉइस, इसलिए थोड़ा सा वॉइस मतलब ख़राब लग रहा होगा, ठीक है ना, मैनेज कर लेना। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे हो रहा है फेस स्मूथ, एंड आप लोग भी कर लीजिएगा। तब तक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करूँगा, नहीं तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, ओके। एंड यहाँ पे जस्ट बस होने वाला, आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड यहाँ पे बस जस्ट होने वाला फेस स्मूथ, एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा एकदम मस्त तरीके से, यहाँ पे बहुत आसान है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट भाई यहाँ पे फेस स्मूथ हो गया, ठीक है ना, डन हो गया, पूरे कंप्लीट हो गया फेस स्मूथ। एंड यहाँ पे एक लेयर बना लेना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कलर को सेलेक्ट कर लेना, एंड यहाँ पे आपको ब्रश कौन सा लेना भाई मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये वाली ब्रश को सेलेक्ट करके आपने क्या करना, लिप पे अप्लाई करना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई लिप पे अप्लाई करते कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे अपने लिप को अप्लाई कर लेते हैं, एंड इससे मतलब अच्छा लगता है। आप लोग भी क्या कीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा अपने लिप्स पे इस टाइप से, ठीक है ना। एंड भाई इसको क्या कीजिएगा, कम कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको जैसे भी हो, आपको जितना अच्छा लगता है आप लोग रख सकते हो। एंड यहाँ पे जितना भी मतलब छूट गया होगा आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही अप्लाई कर लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, देख सकते हो भाई कितना गजब का पिक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक PNG को ऐड करूँगा, आप लोग अगर चाहोगे तो ऐड कर लेना, तो छोड़ देना, ठीक है ना। इस PNG को ऐड करेंगे, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग क्या कर देंगे, स्किन कर देंगे, मल्टी स्किन कर देंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे चले जाना, एंड यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करके आप लोग कुछ स्टेप्स यहाँ पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो भाई कितना एकदम अच्छा सा एडिटिंग होगा, अगर समझ में नहीं आता तो भाई दोबारा देखो वीडियो को, और वॉइस पे मत जाओ, ठीक है ना, आज मतलब वॉइस मतलब ख़राब आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच भाई, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ ऐसी वीडियो आप लोगों को मैं देता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।